देश में मौजूदा मुसीबत को दूर करने के लिए लागू पूर्णबंदी के कारण अर्थव्यवस्था पर खासा दबाव पड़ रहा है। उद्योगों की कमर टूट गई है। उद्योग जगत लगातार सरकार से राहत पैकेज की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार है कि सुनने को तैयार ही नहीं। इसी बीच जब कपड़ा उद्योग ने भी सरकार से राहत पैकेज मांगा तो ये बात कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी को इतनी नागवार गुजरी कि वो भड़क उठी। तो क्या कुछ कहा स्मृति ईरानी ने, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में आई मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत ने ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है कि अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिर गई है। सरकार फंड तो इकट्ठा कर रही है, सांसदों की सैलरी में कटौती की, सांसद निधि भी 2 साल के लिए रोक दी, पीएम केयर्स फंड में भी हजारों करोड़ जोड़ लिए गए, कर्मचारियों के डीए पर भी रोक लगा दी और वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के दाम गिरने के बाद भी पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर खजाना भरने की तैयारी कर ली। लेकिन इतना सब होने के बाद भी जब कपड़ा उद्योग राहत पैकेज मांग रहा है तो कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी कह रही है कपड़ा उद्योग राहत पैकेज का रोना बंद करे और खुद को नए माहौल में ढाले। माना कि सरकार पर पहले से आर्थिक दबाव है, लेकिन सवाल उठता है कपड़ा उद्योग सरकार से राहत पैकेज नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा। जब से उद्योगों पर मुसीबत आई है, बेरोजगारी दर मई के शुरुआती दिनों में ही 27% से ज्यादा हो गई है, लाखों नौकरियों पर काले बादल मंडरा रहे हैं, तो उम्मीद तो उसी सरकार से की जाएगी जिसे चुनकर गद्दी पर बिठाया है। लेकिन कपड़ा मंत्री कह रही हैं राहत पैकेज ना मांगे। अब अगर कपड़ा उद्योग राहत पैकेज नहीं मांगता तो कई छोटे कारोबार तो बंद होंगे ही, साथ ही लाखों लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे। जो सरकार राहत पैकेज मांगने से ही बौखला उठी है, क्या वो सरकार हर बेरोजगार परिवार तक मदद पहुंचा पाएगी? ऐसा लगता तो नहीं है। देखना होगा कि कपड़ा मंत्री के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में कितना हो हल्ला मचता है। लेकिन उससे भी जरूरी सवाल ये है कि आखिर उद्योग जगत राहत पैकेज की मांग सरकार से ना करे तो किससे करे, और अगर उद्योग जगत ही परेशान रहेगा तो अर्थव्यवस्था को गति कैसे मिलेगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।